Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai and today we will discuss about current affairs. और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है. तो काफी बच्चों ने कर लिए और आप लोग कमेंट किए थे कि सर आप लोग जो हमें प्रोवाइड करवा दीजिए लिस्ट सारी, तो उससे संबंधित हम लोग कर लेंगे. तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये हमारी पेड पीडीएफ का पार्ट है, तो आपको मिल जाएगा ये चीजें भी सारी हमारे @studymaster लिख के आप लोग जो है टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको ये जो है पीडीएफ देखने को मिल जाएगी. हमारे पास बच्चों डेडिकेटेड स्टाफ है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके लिए पूरा स्टडी मटेरियल तैयार करता है, पूरे करंट अफेयर तैयार करता है. और हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव भी हैं, जैसे कि फटाफट 100.com, ये देख लीजिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं, आपको फटाफट 100 क्वेश्चंस जो है करवा दिए जाएंगे जो पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इस तरह से जीआई टैग्स, करंट अफेयर, हर एक चीज हमारे पास रेडी है. लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है अच्छा नहीं रहता कई बार, तो हम लोग भी कहते हैं कि चलो ठीक है, जब बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं, बच्चों को दिखना ही नहीं है, तो हम लोग फिर नहीं प्रोवाइड करवाते. फिर हम ये चीज जो है यूट्यूब की बजाय हमारी एप्लीकेशन पर डाल देते हैं, वहां पर जो है चीजें पेड रहती हैं. तो अगर आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर यूट्यूब पर अच्छा रहता है तो हम लोगों को चीजें यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा के भी खुश हैं. तो आप लोगों का रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि आगे चीजें कैसे होने वाली है. अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हरियाणा सिविल सर्विसेज और जो HSSC CET का एग्जाम होने वाला भी हरियाणा के अंदर, इनसे संबंधित बहुत सारी चीजें जो है हरियाणा से संबंधित हमारे पास रेडी हैं. लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता, आप वीडियोज देखते हो, वीडियोज को लाइक करते हो, वीडियो शेयर करते हो अपने दोस्तों तक कि हाँ ठीक है कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो फिर हम लोगों को सारी चीजें शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. और पेड पीडीएफ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9896160956, इस पे जो है आप लोग किसी भी एग्जाम से संबंधित पेड पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन बैंक आप लोग जो है ले सकते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर. इस साइड लिखा हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर के नाम और इस साइड उनकी मिनिस्ट्रियां दी गई है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है. सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट, राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके पास है. पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है, या फिर सीधे ही पूछ लेगा कि ये मंत्रालय किसके अधीन है, किस मंत्री के पास है यह मंत्रालय. दूसरा है अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन. तो होम अफेयर्स तो सभी को पता है, लेकिन ये भी याद रख लेना साथ में. तीसरा, श्री नितिन जयराम गडकरी, पूरा नाम इनका नितिन जयराम गडकरी, जिसको आप नितिन गडकरी पढ़ते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहता है आपको क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं ये. निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. तो बजट इन्होंने पेश किया था, आप लोगों को पता है, मैंने आपको करवाई है सारी चीजें. नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि किसानों से संबंधित बहुत सारे मुद्दे चर्चा में रहते हैं, तो आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में, इस मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. तो अब ये याद रखना, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके पास तीन मंत्रालय हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है. और आप लोग क्या करते हैं, भूलने की प्रवृत्ति आपकी रहती है कि जो जिसके पास तीन मंत्रालय आप लोग भूल जाते हैं. लेकिन पीयूष गोयल के पास तीन मंत्रालय कौन कौन से, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल. तो अब तक नौ आप लोगों को आपने याद हो गए होंगे, सिंपल सी चीजें मैंने बताई हैं तो आपको याद हो गए होंगे. नेक्स्ट देख लीजिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट देखिए, प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस. तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ कोल या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद जोशी है. श्री नारायण तत्तुराने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME से संबंधित है श्री नारायण तत्तुराने. और नेक्स्ट देखिए, सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, SSC पेपर में पूछा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके अधीन है,
या हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ आयुष, आयुष का कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये भी पूछा जा सकता है, मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये माइनॉरिटी और ट्राइबल अफेयर्स में कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज कौन है, गिरिराज सिंह, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज दोनों इकट्ठे ही हैं, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ सोशल एविएशन, रामचंद्र प्रसाद सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टील, श्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे मंत्रालय इनके अधीन है, मैं बार बार आपको वीडियोस में करंट अफेयर में करवाता भी रहता हूँ, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके पास यहाँ पर तीन मंत्रालय हैं, तो ध्यान रखना इनका, अश्विनी वैष्णव और पशुपति कुमार पारस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अब यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग है, वहां पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन था, वो देख लेना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय इनके अधीन है, किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये बहुत चर्चा में रहती है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या पावर, तो राजकुमार सिंह, श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय इनके अधीन है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, श्री मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ये याद रख लेना, पेपर में एनवायरनमेंट से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, पुरुषोत्तम रूपाला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, श्री जे किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो जे किशन रेड्डी इंपॉर्टेंट है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग सिंह ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा कि फिर नरेंद्र मोदी क्या है, तो भाई इनके अलावा जो बच गई है, एक तो प्रधानमंत्री है वो, और इनके अलावा जो मिनिस्ट्रीज बच गई है वो उनके अधीन रहती है। इसके अलावा आप लोग अगर श्योर शॉर्ट नोट्स चाहते हैं एचसीएस या एचएसएससी एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है एचसीएस एंड एचएसएससी एग्जाम्स के लिए, आप वो भी परचेज कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाएगी। अब वो तो थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर, आपने 30 कर लिए कैबिनेट मिनिस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, और ये पेपर में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक। अब इसके बाद है, यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट चार्ट दिया गया है, ये पूरे पीडीएफ है, मैं आपको जो है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग ये इंडिपेंडेंट चार्ज के सारे मंत्री हैं, देख लेना ये सारी चीजें, आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाना, मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, हमारा चैनल का नाम देख लीजिए @StudyMaster, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप लोग जो है चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और सभी मिनिस्ट्रीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये 30 मिनिस्टर तो आपको जरूर याद रखने हैं, ये 30 मिनिस्टर तो भूलने नहीं है। और एक और चीज आपके माइंड में आ रहा है कि सर इनकी जरूरत क्या है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे ना, जो कि ज्यादातर बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो फ्रंट पेज के अंदर कम से कम 3 या 4 मंत्रियों के नाम दिए होंगे, कम से कम 3 या 4 मंत्रियों के नाम फ्रंट पेज के ऊपर, मतलब अगर बच्चा अगर फ्रंट पेज भी देख लेना, कई बार आप क्या करना, अगर आपके पास टाइम नहीं होता ना, तो न्यूज़पेपर के अंदर ना फ्रंट पेज में रोटी पैक कर लेना अपनी, रोटी पैक करने के बाद अपना जो पराठा है उसमें पैक कर लेना, और उसको जब आप दोपहर में उसको खाएं ना, तो न्यूज़पेपर खोल के देख लेना, जब रोटी खा रहे होते हैं ना, खाना खाते टाइम आपके पास टाइम होता है थोड़ा सा, 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, तो आप वो न्यूज़पेपर देख लेना, आपको लगेगा कि ठीक है राजनाथ सिंह के बारे में लिखा हुआ है, नितिन गडकरी के बारे में लिखा हुआ न्यूज़पेपर के अंदर, और साफ साफ लिखा हुआ, तो क्वेश्चन वहीं से बनते हैं बच्चों, और स्टडी मास्टर आपके लिए इतना कार्यरत है, इतना प्रयासरत है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए, इसके लिए हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
बट आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग चाहते हैं। जैसे कि हमारी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, कारण पता नहीं क्या है, आपको समझ नहीं आती चीजें, या फिर आप लोग शेयर करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप लोग नहीं शेयर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोग्राम बंद कर देते हैं, फिर उसको हम पेड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो तो पेड प्रोग्राम में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाते, तो कम से कम वो बच्चे तो शेयर कर दिया करो, चीजों को लाइक कर दिया करो। एक अच्छा सा कमेंट करने में आपका क्या चला जाता है, अगर आपका कमेंट करने से हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाए फ्री में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है कमेंट करने में, बताइए मुझे। इस लेक्चर में क्या कमी थी, क्या चीज आपको समझ नहीं आई, क्या इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी इसमें, बताइए मुझे। सो इन चीजों का ध्यान रखते हुए चीजों को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और जितने भी आपके दोस्त हैं, कोई ग्रुप है आपके पास, स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इस चैनल को शेयर करो, इस पीडीएफ को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और बच्चे जुड़ सकें, आपका और हौसला हो सके और हमें भी हौसला हो सके, हम आपके लिए और अच्छा काम कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो ये हमारे फोन नंबर है, यहाँ पर आकर सारी चीजें पता कर सकते हैं। धन्यवाद।